अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आमिर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आज के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस जो है उसकी खबर बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर मौजूद है और लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ और हरास इस सिलसिले में पैदा हुआ है। कोरोना वायरस के ऊपर हम तो आपको प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस वगैरह नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारी फील्ड नहीं है रिलेटेड टू आस, लेकिन ये बहुत ज़रूरी वीडियो इसलिए भी बनानी थी ताकि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस पैदा हो सके। इस सिलसिले में हम अभी आगे जाके एक डॉक्टर साहबा हैं जिनका क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे, जिन्होंने थोड़े से सिम्टम्स और प्रिकॉशंस के ऊपर बात की है। बिफोर वी गो टूवर्ड्स द वीडियो, आई लाइक टू रिक्वेस्ट फ्यू थिंग्स ओवर हेयर। नंबर एक, हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस ऐसे मौके के ऊपर मास्क और थिंग्स रिलेटेड टू कोरोना वायरस जो डिस्पोजेबल बैग्स होते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, मार्केट से शॉर्ट हो चुकी हैं। लोगों ने इसके ना सिर्फ इस मौके को बजाय इसके कि एक दूसरे की मदद करने के लिए इसमें आगे आगे आते हैं, लोगों ने इसमें बहुत से लोगों ने हर किसी ने नहीं बहुत से लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को ज़खीरंदोजी की है और उसको महंगे दामों बेच रहे हैं। यहाँ तक कि ₹5 का जो आपका मास्क था वो मार्केट में 20 से 30 रुपये तक का फ्लोक हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ऐसे लोग अपील करता हूँ कि प्लीज़ ऐसी कोई हरकत ना करें और साथ साथ तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप देखते हैं कि आपके मोहल्ले के अंदर कोई दुकान कोई फार्मेसी एक्सपेंसिव करके चीज़ों को बेच रहा है तो काइंडली इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आप सिटीज़न पोर्टल के ऊपर जाके इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट डालिए, उन लोगों के वीडियोज़ बना के उसको सोशल मीडिया पर डालिए, क्योंकि हम सबका फ़र्ज़ है कि ऐसे मौक़ों पर हम एक दूसरे की मदद करें, ना कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर से हम अपने फ़ायदे और अपने बिज़नेस को चमकाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि एक दूसरे की मदद करें। ये सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर खौफ व हरास ज़्यादा है, जबकि कोरोना वायरस इटसेल्फ इज़ नॉट दैट हार्मफुल। इफ़ आई से द रीज़न मैं ये बात कह रहा हूँ वो ये कि इसका डेथ टोल जो है वो अराउंड 2% ही है, रिकवरी रेट ज़्यादा है और इसकी जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं वो आगे ही वीडियो में एक हमारे पास डॉक्टर साहबों का क्लिप है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि वो बेहतर तरीके से आप समझ सकें कि आप किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरह इसके साथ डील कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टुवर्ड्स द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सोमिया इकदार एंड आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। इन कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे हैं जिन पे आपको इन एनी केस हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए। सो अगर मरीज़ को खुश खांसी ज़ुकाम के साथ शदीद सांस में दुश्वारी हो या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही हो तो और बुखार जो है वो तेज़ हो तो फौरन हॉस्पिटल में रिपोर्ट करके डॉक्टर को एक दफ़ा मुआयना ज़रूर कराएं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये कोरोना वायरस होगा, पर होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली वो पेशेंट्स जिनका कांटेक्ट रहा हो किसी ऐसे मरीज से जो कि कंफर्म्ड केस था कोरोना वायरस का, या फिर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हो टू चाइना, या फिर वो किसी ऐसे हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम करते हैं जहां पर बहुत सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट्स जो अनआइडेंटिफाइड थे वो एडमिट हुए थे। सो ये वो केसेस हैं जिन्हें हम कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। इन पेशेंट्स में अगर सिम्टम्स डेवलप हों जिनमें फीवर कॉफ फ्लू और इसके अलावा सांस में दिक्कत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर ब्लड प्रेशर का गिरना सीवियर फॉर्म में और गनूदगी का होना और सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होना शामिल है तो इनको फॉरेन हॉस्पिटल फैसिलिटी में रिपोर्ट करना चाहिए ताकि इनके रेलेवेंट टेस्ट हो सकें और इनका ट्रीटमेंट किया जा सके। और प्रिवेंशन वही है जो बाकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की प्रिवेंशन होती है, जो बाकी वायरल इन्फेक्शंस जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलते हैं उनकी इन्फेक्शन होती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्योंकि ये आपकी बॉडी सिक्रीशन से फैलता है तो छींकते वक्त खांसते वक्त अपने मुँह को रुमाल से टिश्यू पेपर से ढाँप के रखिए, फेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और हैंड हाइजीन पे बहुत जोर दें। मैं हमेशा बताती हूँ कि हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम सिर्फ प्रॉपर तरीके से हाथ धोने की आदत डाल लें। सो कॉफ एडिकेट्स में ये है कि जब आप खांसते हैं तो आप ये तो एक तरीका ही है कि आपने टिश्यू पेपर या रुमाल से अपने आप को ढकना है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये जो आपकी ये इस तरह आप अपने एल्बो के बीच के अंदर जो है वो कवर कर सकते हैं ताकि आपके हैंड्स जो हैं वो कंटेमिनेट ना हो। सो ये वायरसेस बड़े विरुलेंट होते हैं, ये फ़ौरन से आप कैच कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं।
جن کی قوت مدافعت کم ہے, جنہیں اور بیماریاں ہیں جیسے کہ شوگر کا مسئلہ ہے یا کوئی امیونو سپریسنٹ ڈرگس پہ ہیں یا جن کو پہلے ٹی بی رہ چکی ہے یا وہ مریض جو کینسر میں مبتلا ہیں یا بہت اولڈ ایج کے پیشنٹس یا دائمی امراض کے مریض جیسے گردے کے مریض یا جگر کے مریض ہوتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ جو ریسپریٹری ٹریکٹ کی پرابلمس کے ساتھ پیشنٹس ہوتے ہیں, جنہیں استھما ہے, جنہیں سگریٹ پینے کی وجہ سے سانس کا اور نظام متاثر ہے, جن کو میں نے بتایا ٹیوبرکلوسس ہے, یا پھر کوئی بھی پھیپھڑوں کی بیماری ہے, اور ان لوگوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ سیویئر ڈیزیز ہوگی اور خدا نخواستہ اس میں جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے. آپ کو سائنز اینڈ سمپٹمس پتہ ہیں, اگر آپ کو کوئی بھی ڈیزیز کے سائنز اینڈ سمپٹمس آؤٹ آف پروپورشن لگ رہے ہیں, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معمولی زکام نزلہ سے زیادہ بھی کیفیت ہے اور کھانسی بہت شدید ہے یا سانس جو ہے لینے میں دقت محسوس ہو رہی ہے, تو پلیز فوراً ایک تو اپنے آپ کو پبلک کے لیے اویلیبل کر کے سورس آف انفیکشن نہ بنائیے, گیدرنگس کو اوائڈ کیجیے, بہت زیادہ باہر جانا اوائڈ کیجیے تاکہ آپ اور لوگوں کو انفیکٹ نہ کر سکیں, اور دوسرا فوراً ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں رپورٹ کریں تاکہ آپ کو پراپرلی ایویلیویٹ کرے ایک میڈیکل پروفیشنل اور پھر اس کے مطابق آپ کا ڈیسیژن لیا جا سکے. اور گائز آئی ہوپ کچھ انفارمیشن اس ویڈیو میں ایسی ہوں گی جس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. اس ویڈیو کو اپنے سرکل میں روٹیٹ کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیزوں سے اویئرنیس حاصل کر سکیں. پلیز یاد رکھیے, بہت سے لوگ بلا سوچے سمجھے مختلف میسیجز کو فارورڈ کر رہے ہیں جو سچائی پہ مبنی نہیں ہے بلکہ خوف و ہراس سے مزید اضافہ کر رہا ہے. کبھی بھی کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس کو بغیر تصدیق کے آگے مت کیجیے. ڈاکٹر سے رجوع کیجیے, ڈاکٹر کے مطابق اپنی میڈیسن استعمال کیجیے, ڈاکٹر کے مطابق اپنے پریکاشنری میجرز لیجیے, کیونکہ یہ ڈومین ایسا ہے جس کے اوپر آپ خوف زیادہ ہوں گے اور اس خوف زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ ہو سکتا ہے کام بہتر ہونے کی وجہ مزید بگڑ جائے. اینٹی بایوٹک اس پر کام نہیں کرتی ہیں. آئی ریپیٹ اگین, اینٹی بایوٹک کی وجہ سے آپ کا امیون سسٹم مزید ویک ہو سکتا ہے, اور یہ جو وائرس ہے یہ ویک امیون سسٹم کے اوپر جو ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے, ان کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.